स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में एक बैज बनाना सीखेंगे, वो भी शीट से। आप पहले तीन कलर की, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, तीन कलर की कलरफुल शीट ले लीजिए। अब इनसे हम एक पंखा तो आपको बनाना आता ही होगा। इस प्रकार फोल्ड करते हुए आप एक पंखा बना लीजिएगा। मैंने इसी प्रकार तीनों रंगों के पंखे की तरह इनको मोड़ कर बना लिया है। अब हम इनको साइकिल की मदद से चिपकाएंगे। ये देखिए, ये मेरे पास साइकिल है, मैं इसकी मदद से इन्हें चिपकाऊंगी। देखिए, ये आपके पास बन गया है। अब हम देखिए, इस प्रकार से आपका बन गया। अब हम इसको ऑरेंज और ग्रीन को इस प्रकार से चिपकाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार से। अब आपका इस प्रकार से ये बन गया होगा। अब हम इसके बीच में लगाने के लिए अशोका चक्र बनाएंगे। इसके लिए आप एक सफेद रंग की शीट ले लीजिए। आपने वो जो पहले से यूज कर रखी हो, आप वो शीट ले लीजिए। और एक कंपास ले लीजिए। कंपास की सहायता से बीच का आप रेडियस लेके और यहाँ पर एक गोला बना लीजिए। ये देखिए, मैंने ये गोला बना लिया है। अब इस गोले को मैं कैंची की सहायता से काटूंगी। अब मैं इसके अंदर अशोक चक्र के रंग का नीला रंग करूंगी। अगर आप चाहें तो नीले रंग की कलरफुल शीट भी आप इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपको इसमें रंग भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो शीट पहले से ही आपके पास नीली होगी। अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, वरना आप ये वाली शीट भी ले सकते हैं, वाइट रंग की। ये देखिए, अब हमारे पास ये अशोक चक्र तैयार हो चुका है। अब हम अपने इस बैज में बिल्कुल बीच में इस प्रकार इसको यहाँ पे इस प्रकार से फैल को लगा कर इसके पीछे लगा देंगे। इसके पीछे फैल को लगा कर और इसे इस बैज के ऊपर चिपका देंगे। प्रकार आप इसे पाएंगे। इस प्रकार से अब मैंने एक और सर्कल काट लिया है। इस सर्कल को भी हम इसी प्रकार फेविकोल की सहायता से इसके पीछे वाले भाग पर लगा देंगे। देखिए, जिस प्रकार मैंने लगाया है बिल्कुल बीच में। अब आपका ये बैज बिल्कुल तैयार। अब हम इसके पिछले भाग में एक सेफ्टी पिन लगाएंगे, जिससे कि ये बैज के जैसा लगे बिल्कुल। देखिए, टेप की सहायता से मैं इसे लगाऊंगी। ये मैंने टेप ले ली है।
और इसके बीच में से इस टेप को निकाल के इस प्रकार, और इस पे आपने इसे देखिए कैसे निकालेंगे, इस प्रकार बीच में से आपने ये निकालते हुए अपने दूसरे हाथ से इसे यहाँ से ले लीजिए, और अब इसके बीच में से ऐसे चिपका कर यहाँ पर इस प्रकार से आपने इसे लगा देना है। मैं इसके पीछे रिबन लगाऊंगी, ये देखिए ये मेरे पास रिबन है, और मैं इसको शेप दूंगी नीचे से। कैंची की सहायता से ये देखिए इस प्रकार से आपने भी करना है। दूसरे रिबन को भी मैं इसी प्रकार से शेप दूंगी, ये देखिए। अब ये हमारा रिबन लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके पिछले भाग में इन रिबन को लगाएंगे। इस प्रकार से टेप की सहायता से आप इसे लगाएंगे। ये देखिए अब आपका बिल्कुल बैच बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही खेल खेल में पढ़ाई करने के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट अवश्य कीजिएगा।